पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 को एनसीईआरटी के। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी होता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अगर कोई पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो उसके कुछ वैल्यू दे दिया जाए, वहाँ पे कुछ नंबर दे दिया जाए और बताया जाए कि आप वेरीफाई करके बताइए कि क्या वो उस पॉलीनोमियल का वो जीरोस है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि वहाँ पे आपको कोई भी क्यूबिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया था। तो आप एक क्वेश्चन को देखेंगे और वेरीफाई करना सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो रिलेशन होता है उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, और उसके जीरोज़ को या किसी पॉलीनोमियल के लिए जीरो कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो नंबर जीरो है कि नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉलीनोमियल है जो कि क्यूबिक पॉलीनोमियल है, और इसके साथ तीन नंबर दिए गए हैं। इन तीनों नंबर को वेरीफाई करना है कि ये तीनों नंबर क्या इस पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, तो उसको वेरीफाई करके बताइए। और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करिए कि क्या ये इसका जो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए वन बाय वन करके वेरीफाई करेंगे। तो ये जो जीरोज वेरीफाई करना है, ये किसी पॉलीनोमियल के लिए वेरीफाई इसी तरह से होगा, जैसे कि हमको बताना हो कि 1/2 इस पॉलीनोमियल का जीरोज है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इस 1/2 पे इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1/2 पे, फिर 1 पे भी, फिर -1, 2 पे, सब पे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और वहाँ पे देखेंगे अगर जो वैल्यू जीरो हो जाता है तो ये जो नंबर है ये इस पॉलीनोमियल के जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो नहीं होता है वैल्यू तो ये जीरोस नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर से एक्स की जगह 1/2 रखिए, तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा -5 × 1/2 प्लस 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा, तो 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। इसका एलसीएम लेके और ऐड करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, तो 1 + 1 प्लस माइनस, और 2 × 2 4 होगा, यानी 5 × 10 के 5 × 2 हो जाएगा 10, और प्लस 4 × 2 8, तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 - 10 और अपान में 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जिस वैल्यू पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ये पॉलीनोमियल का 0 है, यानी 1/2 इस पॉलीनोमियल का 0 हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही 1 रख के देखेंगे, x की जगह 1 रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1² -5 × 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करिए, देखिए ओवरऑल करते हैं, 2 × 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 और 1 3, और यहाँ से -5, और ये 3 इधर हुआ था प्लस 2 5, तो 5 - 5 हो जा रहा है, 5 - 5 ये भी क्या हो जा रहा है, 0। तो इस तरह से 1 भी इस पॉलीनोमियल का 0 हो जाएगा। ऐसे ही -2 रख के भी देख लेंगे, तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 का क्यूब होगा -8, माइनस साइन लगा है, और इसका पावर क्या है, 8 नंबर रहते माइनस ही होगा, और प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2। तो जब इसको ऐड, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -16, और ये 4 और 10 14 और 2 16, तो प्लस 16 और -16 0। तो यहाँ से ये भी वैल्यू 0 दे रहा है, यानी कि -2 भी जो पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसका 0 हो जाएगा। ये तो आप वेरीफाई कर लिए ये नंबर को कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं है। अब साथ ही साथ इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो आपको पहले से ही जीरोज फाइंड है, और इसके जनरल फॉर्म से इक्वेट करके हम इसके कोफिशिएंट को भी फाइंड कर लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किए थे क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पे px इक्वल टू गिवन है 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। इसको आप ax³ से प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, b इज इक्वल टू प्लस 1, और c की वैल्यू -5
और डी की वैल्यू हो गया 2। ये तो आप इतना जनरल कर सकते हैं। अब आते हैं रिलेशन की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनामियल के लिए रिलेशन आपको बताया गया था सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में लिखे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता था, माइनस बी बाई ए। इसको हम बोलते थे सम ऑफ जीरोज, ठीक है। फिर अब तीन जीरोज होते हैं तो तीन के लिए एक बार दो दो का पेयर लेंगे और उसका प्लस एडिशन करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू होता था सी बाई ए, ठीक है। और लास्ट में तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो ये तीन रिलेशन आपको बताया गया है। अब इसके हेल्प से हम लोग इसके क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ए बी सी डी की वैल्यू पता ही है तो आप उसको भी रख के फाइंड कर लेंगे और यहाँ से जीरोज के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए अल्फ़ा है, बीटा है और ये गामा, इसको मान लीजिए अल्फ़ा इजिकल टू है, ये है बीटा इजिकल टू वन और गामा इजिकल टू माइनस टू। तो रखिए अल्फ़ा की जगह वन बाई टू प्लस, बीटा की जगह वन है और गामा की जगह प्लस माइनस टू रख देंगे, माइनस टू हो जाएगा। और b बाई ए इसके साथ भी करते चलते हैं माइनस, फर्स्ट रिलेशन आप कर रहे हैं माइनस b, तो वन है b की वैल्यू और a की वैल्यू टू है, तो माइनस टू। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो यहाँ से हो जाएगा वन और माइनस टू, तो क्या जाएगा माइनस वन होगा, वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस। तो जब इसको माइनस करें तो ये भी वन बाई टू ही आएगा माइनस के साथ, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड रिलेशन में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है वन बाई टू इंटू, बीटा क्या है वन, तो इंटू वन करेंगे प्लस वन इंटू गामा की वैल्यू है माइनस टू, ब्रैकेट लगा लीजिए कन्फ्यूज नहीं होंगे, प्लस गामा की वैल्यू है माइनस टू इंटू अल्फ़ा है वन बाई टू इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है माइनस फाइव और ए की वैल्यू क्या है टू। तो यहाँ से आपको देखिए टू से टू कैंसिल, माइनस साइन बचेगा अभी, इसको देख लेंगे। और यहाँ से वन बाई टू माइनस टू इंटू वन माइनस टू और माइनस वन इंटू वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, इसको ऐड करिए आ रहा है क्या, एलसीएम लेंगे तो टू ही होगा। और यहाँ वन माइनस टू टू जब फोर माइनस टू, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस फाइव बाई टू। इसको देखिए माइनस फोर और माइनस टू, माइनस सिक्स और प्लस वन, यानी माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो यहाँ भी एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हो गया, तो वेरीफाइड हो रहा है, यानी कि जो हमारा वैल्यू मिला है वो सही है। एक लास्ट वाला बच जा रहा है, उसको भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिलेशन को, थर्ड रिलेशन क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा क्या है वन बाई टू इंटू वन इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, डी की वैल्यू क्या है टू, तो माइनस टू और ए की वैल्यू क्या है टू। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई टू, देखिए दोनों इक्वल हो गया, इसको कैंसिल आउट करके माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप रिलेशन को वेरीफाई कर लिए और जो नंबर दिया था उसको भी पता दिया कि इसके जीरोज हैं। इसी तरह आप किसी भी क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए भी कर सकते हैं, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, बाई क्वाड्रेटिक का भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आई होप समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मिटाते हैं, नाम को देखते हैं। पहले लिखा है डिवीजन, फिर एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल, यानी कि हमको जो भी डिवीजन पढ़ना है एल्गोरिथम, वो पॉलीनोमियल के लिए पढ़ना है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं डिवीजन क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। डिवीजन आपको पता है, जैसे कि कोई भी नंबर लिख लें, सपोज हम एक नंबर लिखते हैं 15, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो आप डिवीज़न तो जानते ही हैं, छोटे क्लास में पढ़ाया गया है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, एक काम करते हैं इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में 14 होगा और बचेगा आपके पास 1,
ये आप डिवीजन जानते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाहते हैं आपको। अब इसको हम उसके फॉर्म में लिख, इसके नेम से 15 को हम बोलते हैं डिवाइडेंड और 2 को बोलेंगे डिवाइजर और 7 को बोलेंगे कोसेंट और यहाँ पे जो बच रहा है उसको बोलेंगे रिमाइंडर। ये चीज़ें आपको पता है, छोटे क्लास में बताया गया है। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम डिवाइजर सॉरी डिवाइडेंड को, डिवाइडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या है रिमाइंडर, ठीक है। ये आप जानते हैं, छोटे क्लास में बताएंगे, ये पूरी लाइन को आप समझिए। एक चीज़ और होता है कि आप किसी भी रिमाइंडर को कब छोड़ते हैं, रिमाइंडर कब छोड़ते हैं, जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है, डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो रिमाइंडर बोल देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन होना चाहिए रिमाइंडर आर से रिमाइंडर लेस देन आर इक्वल टू, देखिए लेस देन डिवाइजर है, ठीक है। और एक चीज़, एक कंडीशन और होता है, ये क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है, जीरो के बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी रिमाइंडर और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो ये आप पीछे छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं डिवीज़न करते समय, ये चीज़ें भले आपको नहीं इतना डिटेल बताया गया होगा लेकिन इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में, आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़े हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या पढ़े हैं कि कोई अगर ए और बी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको, उसके लिए हमारे पास क्यू और आर इंटीजर ही मिलता है। कंडीशन क्या होता है, आर या तो लेस देन बी होगा या तो जीरो से बड़ा या इक्वल होगा। आप ये पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बी क्या है, बी डिवाइजर है, ए डिवाइडेंट है, क्यू कोसेंट है और आर क्या है, रिमाइंडर है। ये आप इंटीजर के लिए पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद आ रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये भी क्या है, डिवीज़न ही है, ये भी डिवीज़न ही है, देख लीजिए कंपेयर किएंगे बताया गया होगा, सेम इसी तरह का है। हमें यहाँ पे जो पढ़ना है पॉलिनामियल के लिए, उसके लिए पॉलिनामियल का यूज करेंगे हम। यहाँ पे जो डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं वहाँ, यहाँ पे पॉलिनामियल का यूज करेंगे। अब तक तो जो हम पढ़ रहे थे नंबर के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे पॉलिनामियल के लिए पढ़ेंगे। पॉलिनामियल को नोट कैसे करते हैं, जैसे पी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, एच एक्स हो गया, आर एक्स हो गया, ये सब पॉलिनामियल का नोटेशन है। तो जो हम डिवीज़न एल्गोरिथम लिखने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनामियल के लिए लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इस डिवाइडेंड को, डिवाइजर को, कोसेंट को, रिमाइंडर को पॉलिनामियल से, किसी भी पॉलिनामियल से रिमूव कर दें, जैसे मान लीजिए हम पी एक्स को ही पॉलिनामियल लिखे, इसको डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, ये भी पॉलिनामियल है, और कोसेंट मिल रहा है हमें क्यू एक्स, ये भी पॉलिनामियल है, यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है आर एक्स, ये भी कोई पॉलिनामियल है, ठीक है। तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम यही हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कंडीशन ये, इसको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे तो आर और बी और ये सब क्या था, नंबर था, तो आप आसानी से इसको बता दे रहे हैं कि छोटा और बड़ा होगा, जीरो से कौन बड़ा होगा, जीरो के बराबर होगा, जीरो से मतलब बी से छोटा होगा कि नहीं, नंबर देख के बता देंगे। जैसे कि इसमें आप देख रही हैं कि वन क्या है, टू से छोटा है, तो इसको हम छोड़ दिए रिमाइंडर में। लेकिन यहाँ पॉलिनामियल में कैसे बताएंगे कि कोई पॉलिनामियल कैसे बड़ा है कि दूसरे पॉलिनामियल से, तो उसके लिए आप पैरामीटर यूज़ करते हैं डिग्री का, कि डिग्री के आधार पर, डिग्री के हेल्प से आप किसी भी पॉलिनामियल को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, कि उसका डिग्री बड़ा है, इसका डिग्री छोटा है, उसमें कंपेयर करके और उसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं पी एक्स का डिग्री, देखिए हमेशा जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर से बड़ा हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे पी एक्स का डिग्री भी जी एक्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर आर एक्स का डिग्री कब छोड़ रहे हैं, रिमाइंडर कब छोड़ रहे हैं, कि जब डिवाइजर से छोटा हो जा रहा है, यानी कि आर एक्स की डिग्री जो होगी जी एक्स यानी डिवाइजर का जो पॉलिनामियल होगा उसके डिग्री से छोटा हो जाएगा, तब हम उसको रिमाइंडर बोल देंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं इसके जैसा, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है या डिवीजन का जो स्टेटमेंट है इसके फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई पी एक्स पॉलिनामियल है, ठीक है, उसको हम जी एक्स पॉलिनामियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें कोसेंट क्यू एक्स मिल रहा है और रिमाइंडर आर एक्स मिल रहा है। ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम हो गया, ठीक है।
अब इस पे कंडीशन क्या है कि आर एक्स मतलब कि डिग्री की बात होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, या तो जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, या जीरो की इक्वल भी हो सकता है, और बड़ा होगा, या तो डिग्री ऑफ किससे जी एक्स। यहाँ पर देखिए अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिख दीजिए, जी एक्स के डिग्री से हमेशा आर एक्स की डिग्री छोटी होगी, तो डिग्री ऑफ जी एक्स ये याद रखिएगा, ये इसका स्कोर यहाँ लिख दीजिए, ये इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट हो गया, इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, इफ़ एनी पॉलिनामियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई पॉलिनामियल जी एक्स देन देर विल बी ए पॉलिनामियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच डैट डिग्री ऑफ आर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ऐसे आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, आप इसको पॉलिनामियल के बेस पे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग, पॉलिनामियल के डिवीजन क्या क्यों करना है, क्या इसका यूज है। तो जब आप पिछले क्लास में आप इसका डिवीजन कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन आपको वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई जाती है कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम ही बताया जाता है, क्लास एर्थ में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इसी के बेस पे डिवीजन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसका यूज कैसे क्या करना है, इसका कैसे यूज करना है, इसका अप्लीकेशन क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन है, कोई पॉलिनामियल जो कि क्यूबिक पॉलिनामियल हो, उस क्यूबिक पॉलिनामियल के जब जीरोस को फाइंड करना होगा तो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, या आपको जीरोस गिवन है, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनामियल है उसके जीरोस, क्यूबिक पॉलिनामियल के मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, उसमें कह दिया जाए कि आपके पास 2 जीरोस हैं और थर्ड जीरोस बताइए, तो आप वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल को भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल में कहा जाए कि 2 जीरोस गिवन है और उन दो बाकी 2 जीरोस के को फाइंड करिए, बाई क्वाड्रेटिक के डिग्री 4 होता है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 4, तो 2 जीरोस गिवन है तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम बाकी के 2 जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशन को देखते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन लिखे हैं हम, एक क्यूबिक पॉलिनामियल जो कि यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यू माइनस 5x² - 2x + 24, और पूछा गया है कि इसके जीरोस बताइए, आपको और कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक होता तो इसको फटाक से आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म के स्प्लिट करके उसके जीरोस को फाइंड कर लेते हैं, या लीनियर होता तो आसानी से उसको जीरो के इक्वेट करके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको फैक्टर करना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो जब फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आप जीरोस फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए आपको कम से कम एक जीरोस फाइंड करना होगा, उस एक जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखें, पीछे क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, अगर कोई पॉलिनामियल है उसमें कोई ऐसी वैल्यू रखें जो उस पॉलिनामियल की वैल्यू को जीरो कर दे, तो हम उस नंबर को कह सकते हैं कि इसका एक जीरो होगा। तो ऐसे ही अपने मन से एक नंबर इसमें रखेंगे और इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, अगर उस वैल्यू पे ये जीरो हो जाता है तो हम क्या कह देंगे कि वो उसका एक जीरो होगा। तो देख चलिए एक नंबर रखते हैं, हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं x इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं 0, 1, 2, -1, -2 अलग अलग नंबर रख के देख सकते हैं, अगर इसमें हम 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए ट्राई कर लेते हैं, p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3³ - 5² - 2³ + 24, तो यहाँ से 3³ क्या हो जाएगा 27 - 5² - 9 - 2³ कितना हो जाएगा 6 + 24, तो ये हो जाएगा 27 - 5² - 9 कितना हो जाएगा 45 - 6 और 20 + 24 करेंगे तो जाएगा +18। अब इसको और आसान कर लेते हैं, देखिए 18 और 27 को ऐड कर लेते हैं तो ये जाएगा 45 - 45, तो आप देख रहे हैं जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू जो 3 है, 3 इसका x जीरोस होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देन x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनामियल पी एक्स। देखिए जब ये जीरो हो जाता है तो आप याद करिए 9th में पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम,
कि जब कोई पॉलिनामियल में कोई वैल्यू जीरो कर देता है उस पॉलिनामियल को, तो इस फॉर्म में लिख x माइनस थ्री, जैसे x इजिकल टू थ्री लिखे तो थ्री को इस साइड ला दे तो x माइनस थ्री हो गया। तो ये जो होगा वो पॉलिनामियल का फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर मतलब उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, आपको बताया गया नाइन्थ में। तो जब ये फैक्टर हो गया, तो जब इससे हम इस पॉलिनामियल को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनामियल से x माइनस थ्री एक पॉलिनामियल लीनियर पॉलिनामियल, इससे हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनामियल को डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर क्यूबिक पॉलिनामियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ ये x माइनस थ्री मल्टीपल में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए x माइनस थ्री को इसे डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24 को। उसके साथ साथ हम कंपेयर भी करते चले कि क्या हम सब सही कर रहे हैं कि नहीं। देखिए हम जो ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखे हैं पी एक्स, वो मान लीजिए पॉलिनामियल क्यूबिक पॉलिनामियल है, इसका डिग्री क्या है थ्री है और इसका डिग्री क्या है वन है, तो ऑब्वियसली ये डिग्री बड़ा है इससे, यानी कि हम सही कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड आप लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं, लेकिन नहीं आता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ ऐसे बताएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कभी भी कोई पॉलिनामियल को डिवाइड करिए तो सबसे पहले जिस पॉलिनामियल को डिवाइड करें उसके फर्स्ट टर्म को कहीं रफ वर्क में लिख लीजिए, ठीक है, और इस जिस पॉलिनामियल से डिवाइड कर रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म को से इसको डिवाइड करिए, तो आप ये आसानी से ये क्या हो गया मोनोमियल्स हो गया, इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। एक्स से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ कोसेंट के फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर से इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन, और इसके नीचे लिखते जाना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा। अब याद रखिए लाइक टर्म बताया गया था कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना होता है, और जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप पॉलिनामियल करते हैं तो लाइक टर्म का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्स क्यूब का एक्स से करेंगे तो सॉरी एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, और देखिए एक्स क्यूब के नीचे x लिख दी x क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अब माइनस करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस सॉरी एक्स क्यूब अब माइनस एक्स क्यूब ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से माइनस फाइव और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फाइव और प्लस थ्री हो जाएगा माइनस टू, और इसके साथ लगा है एक्स स्क्वायर तो जाता है माइनस टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म को हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं, अब अगेन वही प्रोसेस सेम करना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से तो आपको मिलेगा माइनस टू एक्स, यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू एक्स, क्लियर हो रहा है। अब माइनस टू एक्स से वन बाई वन मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते जाना है, तो माइनस टू एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस टू एक्स का माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, टू का थ्री से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू का थ्री से करेंगे तो सिक्स, और एक्स लगाया तो एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अगेन एम प्लस है तो माइनस सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ माइनस टू और माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस एट एक्स, फिर अगेन यहाँ 24 बचा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान लग रहा होगा देख रहे होंगे, कुछ नहीं करना है। अगेन माइनस एट एक्स को एक्स से डिवाइड करिए तो आपको बचेगा माइनस एट, अब अगेन वही चीज़ माइनस एट से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एट एक्स, और माइनस इंटू एट और माइनस थ्री क्या माइनस माइनस प्लस, और एट इंटू थ्री 24, तो ये जाएगा प्लस और ये जाएगा माइनस, देखिए टोटल कैंसिल हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करिए, देखिए इसको लिख सकते हैं पूरे इस टर्म को यहाँ लिखते हैं, देखिए इसके बाद से यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। देखिए पी एक्स जो भी पूरा था उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए, अच्छा इसको एक लाइन और लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन हो, पी एक्स क्या है एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24, इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस थ्री इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट। ध्यान से देखिए, ये पूरा जो क्यूबिक पॉलिनामियल है, एक एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर हो गया और ये इस क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल में कन्वर्ट हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसको कन्वर्ट कर लिए। अब इसको आप फैक्टर करना आसान है, ये कर सकते हैं आसानी से। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालेंगे और इसका जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री इसको देखिए फैक्टर करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एट का ऐसा दो नंबर बताइए जो प्लस करने पर क्या है, टू है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस है, आई एम सॉरी, तो माइनस करने पे टू है, तो फोर इंटू टू एट होता है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स यहाँ बचेगा माइनस फोर, एक हो जाएगा एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे एक्स कॉमन होता है, यहाँ पे टू कॉमन होता है, एक्स प्लस टू, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। देखिए टोटल क्यूबिक पॉलिनामियल को हम फैक्टर करके तीन फैक्टर फाइंड कर लिए। अब यहाँ से जीरो फाइंड करना आसान है, जीरो दिख रहा है थ्री फोर और माइनस टू, फॉर जीरोज क्या करेंगे, x माइनस थ्री इजिकल टू जीरो तो x इजिकल टू थ्री हो गया, तो पहले से निकाले थे, x माइनस फोर इजिकल टू जीरो तो x इजिकल टू फोर हो गया, और x प्लस टू इजिकल टू जीरो तो x इजिकल टू माइनस टू। ये जो तीनों आपके जीरो इस क्यूबिक पॉलिनामियल के लिए फाइंड हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनामियल के जीरोज को इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं कि जब आपको कोई क्यूबिक पॉलिनामियल गिवन हो, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, और उसके साथ साथ एक या दो उसके जीरोज गिवन हो और बाकी के जीरोज को पूछा जाए, तब कैसे आप फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा, उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पॉलिनामियल है, क्यूबिक पॉलिनामियल लिया है, और इस क्यूबिक पॉलिनामियल का दो जीरोज गिवन है, ठीक है, जो कि रूट टू है और माइनस रूट टू है, और कह रहा है कि जो बाकी बचे हुए जीरोज हैं, यानी कि एक और जीरो हो सकता है, तो उसको आप बताइए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम जो पिछला प्रोसेस था सेम उसी तरह करेंगे। तो अगर ये दोनों जीरोज इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है इस पॉलिनामियल का जीरो होगा, तो ये ऑब्वियसली इसका फैक्टर होगा, इसका सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे इफ रूट टू एंड रूट माइनस रूट टू आर जीरोज ऑफ एबव पॉलिनामियल, देन देखिए तब क्या होगा, एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू, अरे यहाँ पे इक्वल टू जीरो करेंगे तो लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। अगर ये ये जीरो होगा तो इसका फैक्टर भी होगा, अभी फैक्टर होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी इसका फैक्टर होगा। आर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, या तो ये दोनों फैक्टर हो गए या तो इसका मल्टीप्लीकेशन यही होगा, अरे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू भी इसका एक फैक्टर होगा, और जब ये इसका फैक्टर होगा तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो अगेन क्या करेंगे इसको डिवीजन करेंगे, देन तो यहाँ पर डिवीजन अलग कर लेते हैं। देखिए तब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है, टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको डिवाइड करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस गिवन पॉलिनामियल जो कि क्यूबिक पॉलिनामियल है, ये इस क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल है, तो इसका डिग्री क्या है छोटा ही है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अगेन वैसे ही करेंगे, टू एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा टू एक्स, यहाँ फर्स्ट टर्म में जाएगा टू एक्स,
और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x क्यूब और 2x इंटू माइनस 2 तो माइनस 4x, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अगेन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 2। फिर वही चीज़ माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो माइनस 1 होगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा, ये जो होगा कैंसिल 0। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं देन 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर पहले बाद में लिखा है, एक्स पहले लिखा है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बात वही है, आप इसको सॉल्व कर ही चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इन टू, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1। देखिए इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ऑलरेडी आप दो जीरो फाइंड कर दिए हैं, इसको जब जीरो की इक्वेट करेंगे तो वही दो जीरो मिलेंगे और इसके हेल्प से एक जीरो मिल जाएगा, और या लिख देंगे फॉर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो आपको पता है रूट 2 मिलेगा, प्लस माइनस रूट 2 मिलेगा और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/2, तो जो बाकी बचा एक जीरो था ये हो गया 1/2। तो ऐसे आप इसके जीरोस को फाइंड कर लिए डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप के, कि कह देगा कि दो पॉलीनोमियल दे दिया जाएगा और दोनों पॉलीनोमियल का डिग्री अलग अलग होगा, एक हो सकता है क्यूबिक हो बाई क्वाड्रेटिक हो और एक होगा ये हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है या तो क्यूबिक हो सकता है, और बोलेगा कि चेक करिए कि क्या जो कम डिग्री वाला पॉलीनोमियल है वो अधिक डिग्री वाले पॉलीनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए भी आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके ही चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं उसको समझने के लिए क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। और तो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे हो कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि आप देख रहे हैं ये कौन सा पॉलीनोमियल है, डिग्री 5 है इसका और इसका डिग्री 3 है, तो कह रहा है कि ये वाला जो पॉलीनोमियल है इसका फैक्टर है कि नहीं इसको बताइए। तो उसके लिए आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, अगर इसका ये फैक्टर होगा तो डिवीजन करने पे इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फैक्टर होगा तो, अगर फैक्टर नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन के लिए इफ एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज 1, देन जो आर एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर एक्स मतलब रिमाइंडर। तो करते हैं, तो डिवाइड करते हैं एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स पावर 5 प्लस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो डिवीजन के लिए ऐसे ही जानते हैं, फर्स्ट टर्म को अलग है एक्स पावर 5 बाई एक्स क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x करेंगे तो माइनस 3x पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 1 करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये जगह साइन चेंज कर माइनस से प्लस होगा, ये माइनस होगा, देखिए ये भी कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 4 और प्लस 7 प्लस 3 7 एक्स क्यू, ये हो गया कैंसिल, बच गया प्लस 3 एक्स प्लस 1। अगेन वही चीज़ 7 एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से तो कैंसिल होकर बचेगा प्लस 7 और प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक्स क्यूब, 7 इंटू 3 करेंगे तो माइनस के साथ माइनस 21 एक्स और 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 होगा, साइन या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जा रहा है आपका 21 और 3 कितना हो जाएगा 24x, अब प्लस में 7 और 1 सॉरी 7 माइनस में और ये 1 है तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6, तो आपको रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर जब बच गया तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलीनोमियल इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके बता दिए कि क्या है ये
आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई पॉलीनोमियल किसी दूसरे पॉलीनोमियल का फैक्टर हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।